कल ही हमें कल रात को जब बारिश हुई थी और पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट एक साल पहले इनॉग्यूरेट हुआ है जिस तरीके से पानी का जल भराव हुआ था और अंदर लीकेज हो रही थी उसी से वर्किंग समझ में आ गई है क्या चल रहा है सर। पुराना पार्लियामेंट छोड़कर आ ये कहकर के पुराना हो गया है हैंडल नहीं कर पा रहा है कि कितना देश प्रगति किया है पर उसमें एक भी बार लीकेज की सुनाई नहीं दी। कल तो हमने नेचुरल स्विमिंग पूल भी देखा जहाँ अंदर ही लीकेज हो रहा है यानी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 2022 में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2022 में एक पर्टिकुलर इंसान को इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया था। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी सर वर्किंग ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अगर चर्चा की शुरुआत करें तो कल ही हमें कल रात को जब बारिश हुई थी और पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट एक साल पहले इनॉग्यूरेट हुआ है जिस तरीके से पानी का जल भराव हुआ था और अंदर लीकेज हो रही थी उसी से वर्किंग समझ में आ गई है क्या चल रहा है सर। सर प्रधानमंत्री मैं महाराष्ट्र से आती हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो जो पैसा वहाँ पे आवंटन किया गया है अगर उसकी प्रोग्रेस देखें तो 20.72 प्रोग्रेस हुआ है इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट का। 8.65% प्रोजेक्ट्स अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप सिर्फ 8.65% हुआ है। बेनिफिशरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन 16.92% सर। सर महाराष्ट्र जैसे मैंने कहा अर्बन सेंटर है अर्बन पॉपुलेशन है क्या किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री देखती है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर ग्लोबल थिंक टैंक है नागपुर में उसका हेडक्वार्टर है ग्लोबल थिंक टैंक सेल्फलेस सर्विस कर रहा है और उस उम्मीद थी नागपुर को जब स्मार्ट सिटी घोषित किया जाएगा तो स्मार्ट सिटी बनाया भी जाएगा क्योंकि ग्लोबल थिंक टैंक हेडक्वार्टर है। पर सर मैं देख रही हूँ कि 85% फंड जो वहाँ पे स्मार्ट सिटी के लिए एलोकेट किए थे इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है सिर्फ 15% हुआ है यानी 85% फंड तो ले लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने काम सिर्फ 15% हुआ है तो कोई उसका अकाउंटेबिलिटी लेगा क्योंकि ग्लोबल हेडक्वार्टर्स हैं सर ग्लोबल थिंक टैंक के तो हाँ तो देश को शर्मसार महसूस होना पड़ता है सर। सर मैं मुंबई से आती हूँ सर मैं मुंबई से आती हूँ सर सर मुंबई एक कोस्टल सिटी है और अगर उसका किसी तरीके का विस्तार करना है तो या तो हम सी रिक्लेम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज तो देख ही रहे हैं उसका प्रभाव क्या हो रहा है केरला में हमने देखा है तो सी हम रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 2022 में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2022 में एक पर्टिकुलर इंसान को इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया था। 590 एकड़ का वो प्रोजेक्ट है सर जिसमें 300 एकड़ का रीडेवलपमेंट होना है जिसमें एक नेचर पार्क भी आता है एक पावर प्लांट भी आता है और एक पंपिंग स्टेशन भी आता है। वो पूरा 590 एकर्स टेंडर के अनुसार उनको दे दिया गया था कि उसमें आप ट्रांजिट कैंप्स बना लीजिए आप उसमें रिहैबिलिटेशन का जो जो एलिजिबल हैं आप रिहैबिलिटेशन कर लीजिए टेंडर के अनुसार उनको दे दिया गया। वो जीतने के बाद वो आकर वो जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो आकर कहते हैं हमें और लैंड चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए। उन्होंने 540 एकड़ और मुंबई के मांगे हैं जो राज्य सरकार उनको फ्री में दे रही है। आप मुझे बताइए देश के इतिहास में जो भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट टेंडर के अनुसार जीते गए हैं कि आपको 3 गुना लैंड चाहिए 300 एकड़ का रीडेवलपमेंट है पर आप मांग कर रहे हैं 1100 एकड़ की यानी खुली मुंबई में तो लूट मची हुई है कि किस तरीके से लैंड ग्रैब करें और ये जो लैंड लिया जा रहा है वो ऐसी जगहों पे लिया जा रहा है जो एनवायरमेंटल हैजर्ड भी हो सकते हैं। सॉल्ट पैन लैंड्स की बात करें सॉल्ट पैन लैंड्स उनको हैंड ओवर कर दिया माहिम नेचर पार्क है उसको भी उठाकर इनके हाथ में कर दिया गया। ओपन स्पेसेस की बहुत कमी है मुंबई में सर और महालक्ष्मी रेस कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आइकॉनिक जगह है जिसको भी रीडेवलपमेंट ब्यूटिफिकेशन के अंतर्गत उसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हैंड ओवर करने वाले हैं। सर दुख इस बात का होता है कि रीडेवलपमेंट अर्बन हाउसिंग और अर्बन ब्यूटिफिकेशन के आधार पर अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है और उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारा पार्लियामेंट भी है। आप देखिए हम वो पुराना पार्लियामेंट छोड़कर आ ये कहकर के पुराना हो गया है हैंडल नहीं कर पा रहा है कि कितना देश प्रगति किया है पर उसमें एक भी बार लीकेज की सुनाई नहीं दी। कल तो हमने नेचुरल स्विमिंग पूल भी देखा जहाँ अंदर ही लीकेज हो रहा है। तो अगर हमें अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करें हाउसिंग अफेयर्स की बात करें
ज़्यादा से ज़्यादा शहर अब अर्बन जो पॉपुलेशन है अर्बन सेंटर्स में आ रही है क्योंकि जॉब्स की प्रावधान वहाँ पे होते हैं. तो वी विल हैव टू प्लान आर स्ट्रक्चर्स इन सच अ वे कि वो सिर्फ 20 साल नहीं, 2 साल इनॉग्रेशन के बाद नहीं, एयरपोर्ट्स के जो रूफ टूट रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर वो ख़राब हो जाते हैं. हमें 20 साल, 25 साल, 100 साल आगे की प्लानिंग करनी होगी और वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, वो इंटेंट लैकिंग है. मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगी सर. थैंक यू. धन्यवाद माननीय प्रियंका जी.